सिर्फ अख, अखू, अखू बल्कि, अखू बल्कि याद रखे, क्योंकि क्योंकि ये होता है मरफू। ठीक है सर। और साथ या मुतकल्लम। अब आप कहेंगे ज़हबा फेल है, अखू फाइल है, वह हुआ मुजाफ, और या मुजाफ इलैही है मुतकल्लम। ठीक हो गया। ठीक, और मफूल भी कहाँ पर है इस जुमले में? मफूल भाई मेरे ख्याल में ये मदारी है। मफूल भी क्या होता है मुझे बताएं। पहली बात है कि हर्फ जुमला फेलिए में मफूल भी होता है या नहीं होता? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। तो ज़हबा ऐसा फेल है जिसके अंदर मफूल भी की जरूरत नहीं है। करेक्ट। सो इसमें मफूल भी कोई नहीं है, तो इलल मतार क्या क्या कहलाएगा फिर? ये तो फिर जार मजरूर हो गया। बस सिर्फ जार मजरूर हो गया। परफेक्ट। सो आर वी क्लियर विद दिस नाउ? ज़हबा फेल, अखू फाइल, व हुआ मुजाफ या मुजाफ इलैही। ठीक। मतार जार मजरूर, सिर्फ जार मजरूर है। ठीक हो। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रदर हबीब। सर जी सर ये साहबा जो है इसमें क्यों नहीं है? ये मुतअद्दी है, लाजिम है, वजह क्या है जिसमें वो फिर मफूल भी नहीं? देखिए, ऐसा फेल जिसके अंदर जो है ज़रूरत नहीं होती कि उसको डिफ़ाइन किया जाए, उसके लिए ज़रूरी हो कि मफूल भी आएगा, तो जुमला उसका माना कंप्लीट होगा। साहबा से कंप्लीट हो जाता, साहबा वो गया, ख़त्म होगी बात। तो इसलिए, और हमने अभी पढ़े ऐसे, इस खराजा भी ऐसे ही था, वो गया, हमने इस तरह बहुत दखल आ, वो दाखिल हुआ। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे कि किसके साथ आता है किसके साथ नहीं। और यह नज़र भी तो नहीं आ रहा, नज़र आता तो कहीं ना कहीं आपको कोई मंसूब नज़र आता, फिर आप कहते हैं कि ये मफूल भी ही है। राइट। तो अब नेक्स्ट आ जाए ब्रदर हबीब, हबीब रहमान आज शायद मौजूद नहीं है। हबीब भाई नहीं आया आज? मौजूद है। अच्छा, मौजूद है तो सर फिर ये आप करें ना, ये वाला नंबर 9, अखवाती डैश माशाल्लाह, इसका तो तर्जमा भी कर दीजिए। किसकी बहन है? मेरी बहन। अच्छा, आपकी बहन कहाँ गई? अखवाती, माशाल्लाह अखवाती, तो मेरी बहनें गई हैं, कहाँ गई हैं? कुलिया कहते हैं फैकल्टी। अच्छा, इसका इसका कर दें एनालिसिस भी। कुछ समझ नहीं आ, दोबारा करें, कुछ समझ नहीं आ रही, दोबारा स्टार्ट करें। अखवाती, एक 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 वर्ड है, दो है, पहले कितने टुकड़े? अखवाती दो हो गए। तो अब बताएं इसमें से मुब्तदा कौन सा है? अखवातू। अखवातू ये इतना हिस्सा जो है ये मुब्तदा कहलाएगा। ठीक है। या मुतकल्लम क्या है इसका? ये मुब्तदा वाह हुआ मुजाफ, और या मुजाफ इलैही है, ये कर चुके हैं ना पहले। तो अब तो ये होगी, ये वो यहाँ तक मुब्तदा हो। अब इसके खबर किधर है आप बताएं, इस जुमला इस्मिया की? तो पूरी खबर है ज़हबना, इतने इतने ज़हबना, ये इसकी खबर है। तो अब खबर है ये, तो ये कौन सी खबर है? ये कौन सी काइंड ऑफ खबर है? जुमला फेलिया, जुमला फेल। तो इसमें अगर जब जुमला फेलिया आ जाएगा तो फिर हम बताएंगे इसमें से फेल फाइल कौन सा है। राइट।
जहाबा फेल जहाबा फेल तो ना उसका नहीं, फाइल क्या जहाबा नजर आ रहा है आपको लिखा होगा जहाब कहीं? जहाब हाँ हाँ जहाब, ऐसा तो जहाबा जहाब कह सकते हैं। जहाब जहाब को जहाब कहेंगे, जहाब फेल हो गया। और फाइल क्या है इसका? ना ना फाइल है। और ये ना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जहाबना, हुन्ना, हुन्ना को, हुन्ना को। सब और ये ठीक है। और हाँ जी, और ये जहाबना जो है, ये नून जबर जो है, ये इसका क्या है, एराब क्या है इसका? मरफू, हमेशा फाइल मरफू होता है। ठीक है। और इला कुलियती, इलिया इल कुलियती इस जार मजरूर। अच्छा नेक्स्ट, सिस्टर हिना, नंबर 10 सिस्टर हिना। जी जी सर, एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मेरा की के ये इसमें ये जो जहाब जहाब ना है, ये हुन्ना को कर रहा है ना? हुन्ना को या हुमा हुन्ना? हुन्ना को, हुन्ना को कर रहा है। हुन्ना ठीक है, हुन्ना को ठीक। अच्छा सिस्टर सिस्टर हिना। जी सर, जी सर, जी नंबर 10। अरे एक क्वेश्चन, सॉरी सर, जी जी एक क्वेश्चन पूछ लो। जी जी बताइए सर, ये वाला जहाब ना नून साकिन के ऊपर जबर है ना, और एक नून जबर नून अलिफ ना भी होता है ना जहाब ना, वो फिर हम सबको कहलाते हैं। यस कंफर्मेशन एक चाह रही थी। बिल्कुल सही कह रही है। ये जो लंबा वाला ना है, ये है हम, वी, नहनु। सही है, सही है सर, थैंक यू सिस्टर हिना। नंबर 10 अज़हबती इलल मदरसती या आयशा तू। माशाल्लाह एक्सेलेंट। देखें आयशा तू बोला उन्होंने, या के बाद अगर मुजाफिलाई ना हो तो मुनादा हमेशा क्या होगा? मरफू होगा, याद रखें। ठीक है, या आयशा तू। अब आयशा से बात हो रही है तो फिर ज़हबती, तू गई थी, डिड यू गो टू द मदरसा। परफेक्ट सर, आपने अभी क्या बताया, यार के बाद आयशा मरफू क्यों है? क्योंकि ये हमेशा या के बाद जब मुनादा होता है तो वो मरफू होता है, अनलेस अनलेस वो मुजाफ इलैही भी हो। यानी अगर मैंने कहना ए, ए, ए रब, तो मैं कहूँगा या रब्बू, या रब्बू कहूँगा, इसमें हमेशा पेश आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ए हमारे रब, तो अब बन गया या रब्बू प्लस ना, तो जब ये मिलाएंगे तो या रब्बा ना बन जाएगा। तो ये ज़बर क्यों आ गया? क्योंकि ये अब क्या बन रहा है? मुजाफ इलैही। ये रूल हमने पढ़ा था, अगर मुजाफ इलैही ना हो तो मरफू होता है, जिस तरह आयशा तू है। लेकिन अगर यहाँ मुजाफ बन जाए तो फिर ये मुजाफ, फिर ये मंसूब बन जाएगा। ये रूल याद रखिए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट बारी आ रही है सिस्टर इरम की। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अकमल जुमल आतिया बी वद फेल इन माजिन मुनासिफ। अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से फेल डालना है। दिस इज़ चैलेंजिंग। चैलेंजिंग इस तरह है कि अ डैश अल अजाना या मुहम्मदू, बात हो रही है अजान की, ए मोहम्मद। तो कौन सा फेल इस्तेमाल हम करेंगे अजान को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी सुनने के बारे में बात होगी, तो कैसे कहेंगे कि ए मोहम्मद क्या तूने सुना अजान को? तो समय, एक्सेलेंट, समिया, समिया फेल है। लेकिन इसका कौन सा सीगा यहाँ इस्तेमाल होगा? अगर समिया का तो मतलब है कि उसने सुना, अब यहाँ पर है कि ए मोहम्मद क्या तूने सुना? समेता, एक्सेलेंट, असमेत अल अजान या मोहम्मद। Did everybody get it? हम कहेंगे असमेता, क्या क्या तूने सुना अल अजाना, अजान को, या मोहम्मद। अब आ जाए नेक्स्ट सिस्टर, किसकी भाई, मिसेस सलमान, मिसेस सलमान, नंबर 2। नहनू, नहनू डैश कुर्रत सल्लत यौमा, हमने क्या किया बास्केटबॉल योम, हम खेले। तो खेलने का कौन सा फेल होता है? अब आपको ये फेल याद करने पड़ेंगे। खेलने का फेल कौन सा होता है?
सुनने का समय आता, खेलने का लाइबा। दिस यू हैव टू रिमेम्बर मेमोराइज अफाल आप लोग याद। माशाल्लाह नहनु लाइबना। आगे सल्लती कुर्रतस सल्लतिल यौमा ट्रांसलेशन नहनु हम सब ने खेला आज माशाल्लाह। इसका एनालिसिस भी करते सेंटेंस का। और इसके बाद जो है ये पूरा खबर है जुमला फेलिया, इसके अंदर लबे जो है ये फेल, लाइब ना जो है वो है फाइल फाइल, और क्या है वो एक्सेलेंट आसंती माशाल्लाह। नेक्स्ट मिस्टर सलमान भी है मौजूद। जी जी सर मैं मौजूद हूँ। अच्छा तो फिर ये करें आ डैश कुमसानी व मनादीली या उम्मी। कुमसानी क्या होता है? नंबर थ्री तो कहते ना आप ये हैंडकरचीफ को। मनादील जमा है, किसकी जमा है? मिंदील की। मनादील मिंदील की जमा मिंदील। और ये अच्छा, और कुमसानी जो है हैंकरचीफ, कमीज कमीज। ठीक है तो अब उसको क्या किया या उम्मी, आपने इसको क्या किया, इस्त्री किया, आपने इसको धोया, आपने क्या किया मेरी शर्ट और मेरी हैंकरचीफ के साथ? ये भी जमा है, कुमसानी भी जमा है और मनादील भी जमा है। देखिए अब आपने याद करना कि इसमें गसीला, गसीला धोना, और कवा इस्त्री करना, तो गसीला यूज कर लें। तो गसीला है, अब आपने अम्मी से कहना है कि तो कैसे कहेंगे गसीला का पूरा, गसीला गसीलू गसिलता हाँ, क्या होगा उम्मी के लिए या उम्मी है ये गसल, ये गसल है, सॉरी गसल है, गसल नहीं गसील नहीं गसल आई है, गसल गसलती हाँ गसल है कि उसने धोया। तो अब गसल या उम्मी की बात हो रही है, तो ए उम्मी आ गसलती कुमसानी मेरी कमीजें, तर्जमा आपने धोया, क्या आपने धोया मेरी शर्टों को और मेरे हैंडकरचीफ को या रुमालों को या उम्मी मेरी अम्मी। माशाल्लाह तो उम्मी अब जवाब देना चाहती है कि मैंने मैंने धोई, तो अम्मी कैसे जवाब देंगी? अम्मी कह जाती है नाम मैंने धोई, नहीं नाम अब मैं अब बोल रही मैंने धोई मैंने धोने के लिए क्या इस्तेमाल, गसल तू माशाल्लाह गसल तू मैंने धोई, नाम गसल तू कुमसानी व मनादीली। ठीक हो गया जी जी पूछिए। मुझे ये समझ नहीं आया था कि हमने अभी गसल क्यों नहीं यूज किया जबकि हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे थे, कुमसानी और मनादील। अच्छा ये जो कुमसानी मनादील है ये इन पे तो एक्शन हो रहा है, हम ये करते हैं जो फाइल होता है ना हमने वो तलाश करना है कि इस पे किसने एक्शन किया, फाइल कौन सा है। ठीक गसलती आएगा ना, उम्मी से बात हो, ए उम्मी क्या आपने धोया, तो यहाँ पर हमने जो सीगा लगाना है
हमने फाइल का सीगा लगाना है, किसने धोया, किसने एक्शन किया। कुमसानी पर तो एक्शन हो रहा है, कुमसानी यहाँ पर क्या है, मफूलन भी ही है, जो चीज़ धोई जा रही है, एक धोने वाला है और एक जिसको धोया जा रहा है। धोने वाला कौन है? उम्मी। फाइल तो उसके अकॉर्डिंगली फेल का सीगा बनेगा, गसलता, गसलतू, गसलती, गसलना, क्या बनेगा, राइट। तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कौन सा सीगा लगेगा, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कौन सा सीगा लगेगा फेल का। तो चूंकि या उम्मी से बात कर रहे हैं, ए अम्मी, तो गसलती, अगसलती, क्या आपने धोई। नेक्स्ट है मेरे पास, सॉरी आपसे, उर्दू में तो हम ऐसे वैसे जनरली अगर मैं अपनी में से बोलूंगा तो बोलूंगा ना, आप ने मेरी शर्टों और मेरी शर्ट्स को धोया। अच्छा, अरबी, अरबी के लिए तो अरबी में क्या होता है, अरबी में फाइल जो होता है फेल के अंदर मिक्स होता है, उर्दू में अलग अलग होता है, आपने धोया, उसने धोया, मैंने धोया। ये जो आपने, उसने, मैंने धोया, ये सारा सारा फेल के अंदर होता है, गसला, गसलू, गसलता, गसलती, राइट। सो दैट इज इन बिल्ट इन टू द फेल। ओके, नेक्स्ट शफीक भाई, शफीक भाई बता जी। इसमें सर ये इसका जो जवाब है वो चार तरह से हो सकता है जी। अगर वो कहती है कि गसलतू जी जी, तो ये भी है नाम पे, और वो कह सकती है नाम गसल तो हूँ, मैंने ही धोया उन्हें, नहीं हु गसल तो हु नहीं, एक सेकंड रुक जाए। अगर वो कहती है गसल तू हु, तो उन्होंने क्या कहा, जरा इस गसल तू हु, क्या इसका ट्रांसलेशन करें जरा इसका, धोया मैंने उनको, ये तो हु तो ना हुआ ना जी, हु तो एक और चीज होती है ना। अच्छा, तो इसका क्या करेंगे, तो देखिए इसका मैं जानना चाह रहा था कि क्या करेंगे इसका? देखिए आमतौर पे तो अगर इंसान होते तो हम कहते हैं गसल तू होम, यहाँ पर इंसान नहीं है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को सारों को कहने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाँ। वो जमा भी है, हमने पढ़ा था ना कि जमा जब होती है वो भी जमा मुकसर, तो उसके साथ कौन सी ज़मीर आती है, वाहिद मोनस की, तो गसल तू हाँ, मैंने धोया उन सबको, राइट ठीक। अच्छा, नहीं देखिए ये इंसानों के लिए है, होम हु, यहाँ पर चीज़ें हैं वो भी जमा, ऐसी चीज़ें हैं जो कि जमा है, जमा मुकसर हैं, तो हमेशा जमा मुकसर के साथ ज़मीर इस्तेमाल होती है वाहिद मोनस की, ठीक है। तो गसल तू हा होगा जो सबको रेफर कर, फिर हुमा कहते हैं, फिर आप कह सकते हैं तो हुमा, अगर आप दो इंसानों को धोया था तो गसल तू हुमा, अगर ये होता अगसल अगसलती अहमद व उस्मान या उम्मी, तो आप कह सकते थे नाम गसल तू हुमा, ठीक हो गया। हाँ ऐसे भी हो सकता है, तो फिर कैसे कहेंगे, गसल तू कुमसानी व माँ गसल तू मना दीली, कह सकते हैं ना। नहीं सर, इसमें कुमसानी तो फिर मेरी कमीज होगी। हाँ फिर कुमसाना होगा, गसल तू कुमसाना, नहीं नहीं मतलब मेरी कमीज ही धोनी है ना, अगर मैंने उनकी, अच्छा अच्छा उनकी धोनी है, तो फिर आप कहेंगे तुम्हारी धोई मैंने, ठीक है ना। कुमसानू का एक की धोई, एक की कमीज़ है ना, सबकी तो नहीं है, एक की है तो एक होगा का, सबकी है तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट शफीक भाई की बारी है। जवाबात में से सर, इन जवाबात में से सबसे क्लासिक जवाब कौन सा होता है, नाम गसल तू, बस काफी है, इतना ही काफी है, ठीक, नाम गसल तू या माँ गसल तू, मैं नहीं धोई। अब तो यहाँ पे सिंगुलर फिर हम नहीं यूज करेंगे क्या, अभी भी तो बहुत सारी कमीजें हैं ना जो धोई हैं। हाँ तो ठीक है, तो बहुत सारी धोई हैं, वालदा बहुत सारी धोती है कमीजें, कुमसानी और मना दीली, लेकिन धोने वाली तो एक खातून है ना, कसलती, ठीक है। चले शफीक भाई, डैश अल मुदर्रिसु अद्दर्स अल सबूरा, तो क्या किया टीचर ने, लिखा है, एक्सेलेंट,
माशाल्लाह आसंता या अखी कतबा। अच्छा इसको जरा एनालिसिस भी कर दे, कतबा क्या है और अल मुदर्रिसु का क्या है? माशाल्लाह एक्सेलेंट, सबको समझ आ गया, फेल फाइल मफूल एक ऑर्डर में आ गया। नेक्स्ट नवीदा यास्मीन, अना डैश बाबल फसली व हामिदुन व हिशामुन व बिलालुन डैश अन नवाफीजा। तो दरवाजे को तो खोला ही होगा ना, तो कैसे खोला? अना जी, अना तू बाबल फसली व हामिदुन व हिशामुन व बिलालुन फतहुन नवाफीजा। माशाल्लाह फतहू फतहू उन सब उन्होंने क्या फतहु खोले, एक्सलेंट। तो अभी हमने पढ़ा था शुरू में, हामिद अगर एक है तो जहाबा, और अगर हामिद व मोहम्मद व जैद तो फिर फतहु जहाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाए नौरीन, अ डैश दरसल जदीदा जयदन या बनातू। अब बनातू से बात हो रही है राइट, तो उन्होंने उन्हें दर्स को क्या किया होगा, पढ़ा होगा समझा होगा जी। एक्सेलेंट, और अगर मैं कहूँ क्या उन्होंने पढ़ा तो फिर कैसे कहेंगी? करातुन्ना, माशाल्लाह करातुन्ना। जी जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अना पता तू जी जी बाबल फसल, आप कह सकते हैं कि मैं आइंदा खोलूंगा, ठीक है, हाँ, मुजारे हो जाएगा, लेकिन अभी हम हाँ अभी कर नहीं रहे, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं खोलूंगा आइंदा, मैं खोलूंगा अफ्ताह, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कह सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट है नौरीन, आपने 6 नंबर नौरीन कर लिया, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बारी है नुजहत, जमीलाती डैश मिनल फसली बाद दरसी। जमीलात, अब देखिए जमीलात की बात हो रही है जी जी, जमीलाती खरजना मिनल फसली बाद दरसी। माशाल्लाह एक्सेलेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट किसकी बारी है, रहीला अरशद, अ डैश अल कुरान बाद सलात अल फजर या अबनाई। दोबारा से देखें कि सबसे पहले पढ़ा करें आखिर में क्या लिखा है, या अबनाई, तो इसको ट्रांसलेट करें क्या माना अबनाई का? मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटों, अब मेरे बेटों से डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं, तो आप किससे बात कर रही हैं, आप अंतुम से बात कर रहे हैं जो सामने में, तो कौन सा इस्तेमाल होगा अगर आपने करा का यूज करना है? फर्स्ट आ करातुम अल कुरान बाद सलातिल फजर या अबनाई। माशाल्लाह एक्सेलेंट आसंती, और देखिए कितना अच्छा पढ़ा, आ करातुमुल कुरान, याद है तुम के बाद हमने कहा था पेश आएगा, याद है किसी को पिछले जिस लेसन मैंने पढ़ा था करातुमुल, ये जॉइनिंग के लिए पेश आएगा, आ करातुमुल कुरान बाद सलातिल फजर। नेक्स्ट रिजवान अख्तर, रिजवान भाई आए हुए हैं जी सर, आए। अच्छा अखी, अखी ने क्या किया सूरत रहमान के साथ? अखी हफीजा, माशाल्लाह आगे कैसे पढ़ेंगे? हफीजा सूरत रहमानी, माशाल्लाह देखें अखी, उन्होंने कहा हफीजा उसके बाद सूरता क्यों कहा? मफूल बही है माशाल्लाह, तो इसका एनालिसिस भी अगर कर दें जल्दी से, तो ये कौन सा जुमला है, जुमला इस्मिया है कि जुमला फेलिया? जुमला इस्मिया है सर,
मुब्तदा कहाँ है? हम कहेंगे अखू मुब्तदा, हम कहेंगे अखू मुब्तदा है, वहुआ मुदाफ माशाल्लाह। अब ये इसमें इसमें बताएं फेल फाइल बताएं नहीं, अब इसमें अब आप इस जुमले को देखें, हफीज़ा सूरत रहमानी, इसमें ये बताएं कि फेल फाइल और मफूल भी कौन सी है? इसमें हुआ फाइल है सर, पहले तो फेल हो गया हफीज़ा नहीं, आप कहेंगे ना मुस्तद नहीं, लेकिन आप फाइल को, फाइल को कैसे कहेंगे? फाइल को कहेंगे मुस्ततिर, तकदीर हुआ, तकदीर हुआ, यदुल्लु अला अख, ठीक है। हफीजा में इसका फाइल जो है, फाइल मुस्ततिर है, मुस्ततिर तकदीर हुआ, और किसकी तरफ है? यदुल्लु अला अख, याखी कह दें। अच्छा, और मफूल भी कहाँ पर है? सूरता वहुआ मुदाफ अर्रहमानी रहमानी मुदाफिले। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट है सिस्टर सीमा रिजवान। अना डैश अन कलमी वाला किन्नी मा वजत्तु हू। सर ये होगा अना बहस्तु अन कलमी वलाकिन्नी मा वजत्तु हू। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। ये फेल बहसा याद रखें, ढूंढना, इसके साथ हमेशा अन आएगा। अब मुख्तलिफ अफाल के साथ मुख्तलिफ इनके जो है ना आते हैं प्रपोजिशन फेवरेट, तो बासा के साथ अन आता है। अना बहस्तु अन कलमे, मैंने ढूंढा तलाश किया अपने कलम को। इसका भी कर देंगे जरा एनालिसिस सिस्टर? यस सर। जी जी सर। अना मुब्तदा जी, कतम फेल टू फाइल, अन हरफे जर, कलम इसकी खबर जो है वो पूरा ये क्या है, जुमला फेलिया है, ठीक। ठीक हो गया। नेक्स्ट किसकी बारी है? अना बहस्तु, मैंने ढूंढा तलाश किया अपने कलम को, अन कलमी वाला के नहीं माँ वजत्तु, वजदा फेल है, वजदा उसने ढूंढा, उसने पाया, ही फाउंड, वजदा, तो वजदतु होगा मैंने पाया ढूंढा, हु उसको, मा वजदतु नहीं मैंने पाया उसको, आई कुड नॉट फाइंड इट, आई लुक्ड फॉर माय पेन और पेंसिल बट आई कुड नॉट फाइंड इट, बट आई डिड नॉट फाइंड इट, वजदतु। नेक्स्ट लाकिन्ना जो है, लाकिन्ना जो है ये इस्म लाकिन्ना थी हमारी या मुतकल्लिम अना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बारी है रुबीना बिलाल। मन डैश हाजिल हय्यता। माशाल्लाह, किसने मारा इस शाम को? अगर मैं कहूँ कतला, हाँ चल ठीक है जी सर, कतला फेल हो गया और इसका जो फाइल है मन की तरफ जा रहा ना, मन
जी और हाजिर रहिया इसका मफूल बन रहा है, हाजिर का बदल या अलहिया, अलहिया माशाल्लाह बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। साजिद इकबाल, जरा का भी आ सकता है, जरा भी आ सकता है, मन जरा बा, मन अकला, मन अकला भी आ सकता है, नहीं आ सकता चाइनीज हो सर, चाइना में पुटी की दवा आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डैश अ डैश, ये बारी है नेक्स्ट साजिद इकबाल, मन डैश अलकाहवता या मरियमू